स्वागत है आप सभी का हमारे फिटरटेट थ्योरी में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का प्रिया। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और ऐसे मोटिवेट होती रहूँगी और आपको भी करती रहूँगी। तो हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस चल रही है, अगर आप लोग लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका शेड्यूल हमारे स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चल रही है और संडे को जीके का क्विज होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिएगा जरूर। और आप लोग लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू। ऐसे देते रहिए और दोस्तों को भी अपने शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी इसका यूज़ उठा सके और इसकी मतलब नॉलेज ले सके, जिससे कि उनके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है लाइव क्लासेस में। तो चलिए आज हम आज का जो हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है जो है स्क्रू थ्रेड, जो कि हम इससे पहले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू। चलिए आज हम आपको जो टॉपिक है वही पढ़ाते हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम आज आपके लिए बहुत कम एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, ज़्यादा नहीं लेके आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है इस टाइम, तो हम नहीं बना पाए। बट जो भी लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप लोगों को पता चले कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को पूरी पूरी तैयारी करवाऊँगी एनसीएल के जो मतलब पेपर है, पहले वाले जो पेपर हो चुके हैं मैं आपको वो पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आज का एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग उसका आंसर जरूर बताएगा, बहुत लोगों ने उसका सही आंसर बताया तो उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं बता देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था, चित्र में दर्शाई गई थ्रेड कौन सी थ्रेड है, विच थ्रेड इज द थ्रेड शो इन द पिक्चर। तो हमारे ऑप्शन है नकल थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, टर्न ऑफ दीज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है स्क्वायर थ्रेड। जो स्क्वायर थ्रेड है वो जो स्क्वायर थ्रेड है उसका डायग्राम इसमें दिखाया गया है और ये कौन सी थ्रेड है, ये स्क्वायर थ्रेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए चूड़ियों में से एक्मे चूड़ी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स इन द एक्मे थ्रेड शो इन द पिक्चर। ये चार जो फिगर दिखाए गए हैं, चार टाइप के थ्रेड दिखाई गए हैं इसमें और इसमें आपको एक्मे थ्रेड पहचानना, और जो हमारी एक्मे थ्रेड है उसका जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा है। पहला अभी हमने आपको दिखाया था वो कौन सी थ्रेड थी, स्क्वायर थ्रेड, ये उससे रिलेटेड है तो कुछ ये कौन से स्क्वायर थ्रेड, तो ये गलत है। सेकंड वाला देखिए, इसका 60 डिग्री एंगल दिखा तो ये एकदम नहीं हो सकता है। थर्ड वाला भी 30 दिखा और ये ऐसे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है फोर्थ, तो फोर्थ जो है हमारा वो सही आंसर है, फोर्थ हमारा सही आंसर है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी थ्रेड काटने वाले टूल को कहते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड आर कॉल्ड कटिंग टूल्स। तो जो हमारे ऑप्शन वो है ड्रिल है, रिमर है, डाई है, टैप है। तो ड्रिल के द्वारा तो हमें पता है कि होल किया जाता है और रिमर के द्वारा होल को थोड़ा सा बड़ा किया जाता है, रिमिंग किया जाता है, और डाई के द्वारा हम लोग बाहरी थ्रेड काटते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी थ्रेड है जो शक्ति संचालन के प्रयोग की जाती है, वे आसानी से काटी जा सकती है। विच थ्रेड इज यूज टू हैंडल पावर एंड कैन बी कट इजिली। हमारे ऑप्शन स्क्वायर थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है, बटरस थ्रेड है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है स्क्वायर थ्रेड, जो हमारा सही आंसर है वो है स्क्वायर थ्रेड। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट या बोल्ट बोर्ड द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन राउंड बाय नट और बोल्ट बोर्ड इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है पिच, रूट, लीड, क्रस्ट। जो मतलब नट और बोल्ट जो एक चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे जो ऑप्शन थे वो थे पिच है, रूट है, लीड है, क्रस्ट है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है लीड। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस स्क्रू चूड़ी का सबसे छोटा डायमीटर होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ अ स्क्रू थ्रेड। हमारे ऑप्शन है माइनर डायमीटर का, मेजर डायमीटर का, पिच डायमीटर का, उपयुक्त में से सभी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है माइनर डायमीटर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक्स से लेवल भाग को पहचानिए। ये देखिए एक्स भाग दिया गया है, इसको पहचानना है कौन सा भाग है।
आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट विद एक्स इन द इमेज, हमारे जो मतलब ये बताना है आपको कौन सा पिच है, हमारा ऑप्शन है पिच है, मेजर डायमीटर है, डेप्थ डायमीटर है, पिच डायमीटर है, तो जो हमारा सही आंसर है वो है पिच डायमीटर। ये कौन सा डायमीटर है? पिच डायमीटर है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेट चूड़ियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज मल्टी स्टेट थ्रेड यूज? हमारे ऑप्शन है जब अधिक घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल कम करनी हो, दूसरा ऑप्शन है हमारा जब कम घुमाने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो, जब आम चूड़ियाँ ठीक से काम ना कर रही हो, जब चूड़ियों की पलकों पर काम लोड डालना हो। तो जो हमारा सही आंसर वो है जब काम घूमने पर नट या बोल्ट की चाल अधिक करनी हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड क्रस्ट और रूट के मध्य की दूरी की को यदि अक्ष के लंबवत माप लिया जाए तो वह क्या कहलाती है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द रूट ऑफ द स्क्रू थ्रेड इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, व्हाट इट इज कॉल्ड? हमारे ऑप्शन है हाइट है, डेप्थ है, थिकनेस है, लेंथ है। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो सकता है बताइए, जो मतलब स्क्रू थ्रेड उसे क्या नाम सकते हैं? तो जो हमारा सही आंसर है वो है गहराई, मतलब कि डेप्थ, डेप्थ नाम सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट, यदि घड़ी की दिशा में मोड़ने पर अखरोट में एक पिच थ्रेड आगे बढ़ती है तो इसे कहा जाता है? इफ आ स्क्रू थ्रेड एडवाइज इन द नट व्हेन टर्न्ड इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शन है बाएं हाथ का हेलिक्स, दाएं हाथ का हेलिक्स, क्लॉक वाइज हेलिक्स, एंटी क्लॉक वाइज हेलिक्स। तो जो हमारा सही आंसर है वो है दाएं हाथ का हेलिक्स। आज हम आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करूँगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं बोल पा रही, तो इसी उसके लिए सॉरी। और बट हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके होंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आज आपको बताया बहुत ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, हमारी जो लाइव क्लासेस चल रही है आप उनमें आके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जो लोग रीजनिंग देखना चाहते हैं, कंपटीशन की मैथ देखना चाहते हैं, जीएस देखना चाहते हैं, तो आप लोग आइए लाइव जुड़िए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों को भेजिए। तो अगर आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, बाजू में एक बेल आइकन है जिसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप उसको बजाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिल चुकी है कि नहीं। तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आइकन बेल तो बजानी पड़ेगी। तब तक के लिए।